80 kilometers from Mahakal Temple is Airwas village. 70-year-old Govardhan Lal, a farmer, and his neighbors are all tight-lipped about their choices this election. When asked about the direction of his thoughts, he throws a googly. इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये है मैडम जी कि विधाता ने जो लेख लिख दिया है वो सही साठ है। अपन कोई बामन नहीं, ज्योतिष नहीं, कहीं को नहीं, पर जो दो खड़ा है इनमें दी विधाता है किने लिखी दी दो है कि वो जीतेगा, वो जीतेगा। जनता जरूर है पर यो मतदान है, कहीं है वोट नो एक मतदान है, क्या मालूम क्या जनता पलट जाएगी। वैसे तो हमारे मामा जी ने चली जी रहा है कमलनाथ जी, कहीं नाम इन्होंने जनता पार्टी वाला नो, अरे नहीं नहीं मोहन यादव जी 15 साल से हमारे यहाँ चल रहे हैं और अभी भी उनकी वही चल रही है, अब आगे उनके भविष्य अपन नहीं बोल सकते कि अपन तो दोनों पार्टी में इधर हाथ जाएंगे तो इधर भी हाँ, उधर जाएंगे उधर भी हाँ, ये अपने पास ये बात है, दोनों तरफ वहाँ है। हाँ दोनों तरफ वहाँ है, अभी बीच में नहीं बोल सकते अपन कि किसको क्या खड़ा करना क्या करना है, वो अपन नहीं बोल सकते। चुनाव है, जनता किधर पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, पर ऐसा है कि जिसके नसीब होगा वही आएगा। 60 रुपए किलो हो गया कांदा ना, हमारे वाले का 17-18 भी किया तो कहीं कर दो, करसानो हमारे मेरा नो जोर जुलूम कर दो सरकार नो, कहीं कहीं करे अपनी करसान तो मरे सही बता हूँ बोलू इनो अर्थ दो आपके लड़ी सकती है सरकार दी कहीं जनता तो सरकार है कहीं मालूम कहीं उलट पुलट कर दे, यह तो खुली बात है मैडम जी, कोई दो मत वाली राय नहीं है। लेकिन सरकार को उलट पुलट तो आप जनता कर सकते नहीं, जनता हमारी कोई ताकत नहीं है, एक दो से थोड़ी मध्य प्रदेश ये तो सारी हाँ। जनता हो जब भी कुछ हो हाँ। सकता है, यदि उलट पुलट होगा लाडली बेना बनाई 1000-1000 रुपए डाल रहे हैं तो इधर कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम 1500 डालेंगे, अब उसमें क्या पता किधर पलट जाए। किसान के बारे में बोला जा रहा है कि कमलनाथ जी कर्जा माफ करेंगे, तो आपका कर्जा माफ हुआ? कहा हुआ पहले कहा था तो बड़े बड़े का किया, हमारा तो कोई किया ही नहीं। अरे मकान बोला के बोले के मकान फ्री में मर रहे है सरकार तरफ से, सरकार तरफ से फ्री मर रहे है तो मकान कोई फ्री नहीं मिले, पीछे भरना पड़ा ना है आवास, आवास मिली तो उसमें 50 माफ करेंगे 50 भरना पड़ेगा, पर 50 की जगह क्या 35-35 हजार रुपए भर भी दिए, 1-1 लाख रुपए दिए उसमें 20 हजार तो कर्मचारी खा गए और 80 हजार रुपए मिले उसमें 33-35 भर दिया और फिर ये तो किस्त चुक गए तो 85 हजार का वो अपने ऊपर कार्ड भेज दिया, तामिल भेज दिया है तो फिर जाके उसका वहाँ कोठी जाके हमने निराकरण करवाया, 13-13 हजार रुपए भर के फिर फाइनल करवाया। Not very far, we meet two young farmers, Rajan Chauhan, an engineer, and Mayank Singh Thakur, a BCom graduate. Both quit their jobs in private sector to return to the family tradition of farming. But they innovated and experimented in crops and produce that was unthinkable in this belt. हर क्षेत्र में बीजेपी ने अच्छा काम किया है और अच्छी सोच के साथ आगे भी अच्छी होने वाली है। 2018 में किसके साथ थे? बीजेपी। 2013 में बीजेपी। आप भी? यस मैम, बीजेपी। हम मंडी गए थे वहाँ पर हाँ। किसान बोल रहे हैं कि रेट सही नहीं मिल रहा। नहीं, रेट का ऐसा है कि एक जो इकोनॉमिक जो होना चाहिए, जो एक आर्थिक स्थिति पे जो रेट होना चाहिए वो रेट सूटेबल है। अब किसान की डिमांड है कि 4000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ होना चाहिए, बाकी 4000 रुपये होगा तो 4000 जनता को कैसे खिलाएगी? मोदी सरकार हो कोई और सरकार हो, मान लो 4000 रुपये किलो में वो 80 रुपये किलो में कैसे आटा खरीदेगा मजदूर आदमी, कैसे प्रॉपरली उसकी मतलब उसका जीवन व्यापन कर पाएगा वो? तो एक 2 से 2.5 हजार रुपये जो रेट बिक रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2014 में से पहले 1100-1150 रुपये MSP थी, आज की कंडीशन में वो डबल हुआ है। और कांग्रेस ने जो जो प्रॉमिस किए हैं किसानों के लिए, कर्जा माफी की बात करते हैं कमल, हाँ उनके पास एक ही मैटर है सिर्फ कर्जा माफ। किसान पैसे ही संपन्न रहेगा तो उसको कर्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और कर्जा माफ से किसान की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती। तो इस बार आप लोग बता रहे हैं ये ग्रुप फार्मिंग की जो बात है वो जरा सा समझाइए, क्या ये नए किसान इस तरह के काम कर रहे हैं, युवा किसान जो आप लोग हैं? जी मैम, तो ये नई चीजें लगी है मैम, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पपीता की लगी हुई है, अमरूद लगे हुए हैं, तो क्या पारंपरिक खेती छोड़ के कुछ नई चीज में हम कर रहे हैं सब साथ मिलकर काम, और इसमें अच्छा है ये बगीचा आप देखेंगे अभी तो इसमें बढ़िया है ये, इसमें टेक्निकली सपोर्ट मिलता रहेगा एक दूसरे को,
गाइडेंस मिलेगा कि कौन सी टेक्निकल उसमें और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं अपन ग्रुप फार्मिंग। सिंगल ही करेंगे तो प्रॉपर उसका दिमाग एक जगह फिक्स रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा, एक किसी देखा देखी करके नहीं खत्म कर। ग्रुप फार्मिंग में ये है कि मार्केटिंग से लेके प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक का उसको सारी समस्या का हल होता रहेगा, एक दूसरे में कम्युनिकेशन होगा। किस पार्टी ने किसान के बारे में सोचा है? पार्टी का किसान से संबंधित तो ऐसा है कोई सी पार्टी, पार्टी जो बीजेपी है प्रॉपरली जो किसान की आवश्यकता है वो परिपूर्ण होती रही है। अब भाव का है ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये पार्टी उस भाव को लेके अपोजिट पार्टी इसका विरोध करती है, किसान को नुकसान हो रहा है, किसान को ये नहीं किया वो नहीं किया, बाकी किसान इंटरनली देखा जाए तो सेटिस्फाई है। और सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा मैम, जो कांग्रेस सरकार 2018 में 15 महीने के लिए बनी थी उसमें इनका वचन पत्र था कि किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, जो कि इन्होंने बोला था कि 7 दिन राहुल गांधी उज्जैन में सभा करने आए थे ऐसे गिनती से बताया था 1 2 3 4 5 6 7 कर्जा माफ 7 दिन में। ये मैं बोल रहा हूँ, राहुल गांधी उज्जैन की सभा से उनका भाषण है, ये वायरल हो भी चुका है। ये 15 महीने तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, हम खुद किसान है, हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ कांग्रेस की सरकार में। ये चुनाव अगर भाजपा की तरफ अगर आप जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पर वोट देंगे, शिवराज सिंह चौहान के बारे में? नहीं, शिवराज सिंह के थ्रू, बाकी मेनली तो हाँ वही है कि मोदी। पीएम किसान योजना भी 2000 रुपए वो डालते साल के, 6000 रुपए डालते 3 किस्तों में डालते पैसे। सीएम ने भी वो योजना चालू करी है किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि वाली, तो अच्छा है किसानों के लिए, काफी उनका बहुत योगदान है।